शुभ अवसर पर जो इतनी बड़ी संख्या में राम भक्त पधारे हैं, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद एवं प्रणाम करता हूं। क्योंकि मैं हर बार कहता हूं, बिना आपके कोई भी शोभा यात्रा सफल नहीं होती है। और 2017 की भी श्री रामनवमी शोभा यात्रा आप सबके आशीर्वाद से सफल होने जा रही है। अभी हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। हनुमान चालीसा का पाठ करने का एक उद्देश्य है मेरे मित्रों, आने वाले समय में अपने अपने क्षेत्र के हर मंदिर में हर वो हिंदू शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन सवेरे का समय या शाम का समय हनुमान चालीसा का पाठ करना आप लोग शुरू कर दो। ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आज हम संगठन की बात करते हैं। संगठन तभी होगा जब हर हिंदू मंदिर में इकट्ठा होगा, तभी हमारे में संगठन आएगा। मेरे मित्रों, आएगा ना संगठन? संगठन मस्त गला पक्का कदा मन मन गुड़ हनुमान चालीसा कार्यक्रम मन प्रारंभ చేస్తాం కదా बोला जय श्री राम, जय श्री राम, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोल हनुमान की। और एक एक निवेदन है सभी कार्यकर्ताओं से, ये यात्रा हमारी है, ये यात्रा आप सबकी है। ఈ శోభయాత్ర మీది తమ్ముళ్ళారా, ఇది నాది కాదు మన అందరిది, కానీ ఒక్క కార్యకర్త కూడా మన పక్క ఉన్న ఏదైనా ఒక హిందూ కార్యకర్తతోని కొట్లాడొద్దు, ఇది నా దండం పెట్టి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా అందరికీ। ఎందుకంటే